हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे COL वर्सेस DCS के बीच में जो अगला T20 का मैच होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। COL और DCS के टीम ने अभी तक इस टूर्नामेंट के जितने मैचेस खेले हैं सारे मैचेस को कवर करेंगे। बैटिंग ऑर्डर आपको बताएंगे दोस्तों, कौन से बॉलर कंप्लीट आपको यहाँ पे ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, किसे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना, वीडियो को लाइक से स्टार्ट करना भाइयों, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का आपको इसी प्रकार वीडियो और इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। भाइयों, इस मैच का फाइनल टीम के लिए एक बार हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे 30,000 से भी अधिक मेंबर ने ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल फ्री ग्रुप है और आपके हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ताकि लाइनअप के बाद जो है फाइनल टीम मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर पाऊँ। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैच के बारे में बात करते हैं। जो मैच है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला होगा। यहाँ का पिच कंडीशन अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये एक बैलेंस पिच है। बाकी दोनों ही डिपार्टमेंट को अभी तक इक्वल सपोर्ट देखने को मिला है भाइयों, और ध्यान रखना आपको इसी के बेसिस पे आपको टीम क्रिएट करना है। कुछ मेन बैट्समैन को लेते हुए चलना होगा, कुछ मेन बॉलर को अपने टीम में लेते हुए चलना होगा। चलिए अब बात करते हैं COL के टीम के बारे में। पहला मैच के अंदर COL के टीम ने चेजिंग करते हुए जीता है, दूसरा मैच में हालांकि लॉस हुआ है दोस्तों। और वहीं DCS की बात करते हैं तो DCS की टीम एक ही मैच खेला है, जो कि 162 का टारगेट दिया था, जो कि AGH की टीम ने उनको चेज़ नहीं कर पाए थे पहले मुकाबले में, जिन्होंने भी जीता है। दोनों ही टीम काफ़ी मजबूत टीम है। यहाँ पे आपको रंजीत मानी खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे टीम के कैप्टन है, राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। और ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 3 रन, दूसरे मैच के अंदर 55 रन स्कोर कराया था दोस्तों। प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखते हैं 38 मैच के अंदर 659 रन बना के 4 विकेट निकाले इन्होंने। बाकी अखिल दास, जो कि दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो 11 मैचेस प्रीवियस रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 167 रन बनाया है, 14 विकेट भी निकाले हैं। पहले मैच के अंदर फ्लॉप थर्ड डाउन पे खेलते हुए दूसरे मैच में 2 रन बनाया है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्ड ही अच्छा है। बाकी इस सीरीज के अंदर कुछ खास नहीं खेल रहा है। जनाखा की बात करेंगे, ये जो है ना, ये दोस्तों राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 78 रन बनाए, दूसरे मैच के अंदर 14 रन बनाए हैं। और 136 मैचेस खेले अपने करियर के अंदर, जहाँ पे 3000 प्लस इन्होंने स्कोर करा है और 34 विकेट निकाले भी हैं। बाकी बात करें क्रिश्चन पॉल के बारे में, तो 2 मैच खेले, पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर 1 विकेट निकाले हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड 8 मैच के अंदर 4 विकेट, बाकी बॉलिंग से फ्लॉप, बल्लेबाजी से फ्लॉप रहे हैं अपने करियर में। कृष्णा कुमार, जो कि दोस्तों पहले मैच के अंदर 5 फ्लॉप रहे थे, मतलब बल्लेबाजी करने का मौका नहीं देगा, दूसरे मैच के अंदर 5 रन बनाए हैं। 19 प्रीवियस रिकॉर्ड है 19 मैच का, जहाँ पे 125 रन बना के 3 विकेट। लक्ष्मण, जो कि पहले मैच के अंदर 2 विकेट, दूसरे मैच में 45 रन बना के 1 विकेट निकाले हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड हालांकि कुछ खास नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मनप्रीत सिंह, पहले मैच के अंदर 2 विकेट, फिर 2 विकेट निकाले हैं। 16 मैच खेले अपने अपने करियर में, जहाँ पे 163 रन बना के 7 विकेट। निखिल, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 45 रन बनाया दोस्तों, प्रीवियस रिकॉर्ड 2 मैच के अंदर 41 रन बना के 1 विकेट। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सपनदीप सिंह के बारे में, तो ये राइट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, 16 रन बनाया है। प्रीवियस रिकॉर्ड 8 मैच के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 165 रन बनाया हुआ है, इनको आप ले सकते हैं, जो कि आपको फर्स्ट राउंड पे बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे। वहीं बात करेंगे मोहम्मद जिसन भट्ट के बारे में, पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर यहाँ पे 2 विकेट, ये टीम के मेन गेंदबाजी कर रहे हैं, इनको अपने टीम में ले सकते हैं। हालांकि इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, लेकिन इस सीरीज के अंदर बढ़िया खेल रहे हैं। रिजवान केएस, पहले मैच के अंदर 1 विकेट, फिर 1 विकेट निकाला है। 3 मैच के अंदर 38 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला है दोस्तों प्रीवियस रिकॉर्ड में, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बहुत अच्छे खेल रहे हैं, 2 मैच में विकेट मिला है। बाकी इन दोनों को ड्रॉप करो, दोनों का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। तो ये जो है ना, ये COL का रिकॉर्ड है भाइयों, जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर का देखने को मिलेगा। बाकी प्रीवियस रिकॉर्ड भी दिखे, इस टूर्नामेंट के अंदर क्या खेला है वो भी आपने देखा। DCS की बात करते हैं तो यहाँ पे रौनक जो है आपको राइट हैंड बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे, 5 मैच के अंदर 120 रन बनाए हैं प्रीवियस रिकॉर्ड। बाकी इस सीरीज के अंदर देखोगे तो 69 रन बनाए, ओपन करते हुए कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन बढ़िया प्लेयर इनको अपने टीम में ले सकते हैं। आदित्य सेठी, जो कि राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, प्रीवियस रिकॉर्ड 5 मैच के अंदर 28 रन 8 विकेट निकाले, इस सीरीज के अंदर 2 विकेट मिला है इनको, ये भी टीम के बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कराए इस सीरीज में। बात करते हैं अमर बनानी के बारे में दोस्तों, ये राइट हैंड बल्लेबाजी करेंगे, 5 मैच के अंदर 18 रन बनाए हैं, फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए 13 रन, और 5 मैच के अंदर जो 18 रन देख रहे हैं पुराना रिकॉर्ड इनका, प्रीवियस रिकॉर्ड जो आप लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस सीरीज के अंदर 13 रन बनाए हैं फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए। वही बात करते हैं जॉर्ज के बारे में दोस्तों, प्रीवियस रिकॉर्ड जो है 5 मैच के अंदर 16 रन बना के 7 विकेट, और इस सीरीज के अंदर 1 विकेट इनको मिला है। वहीं बात केशवानी की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नीलांश केशवानी के बारे में, तो 5 मैच के अंदर 22 रन बना के 5 विकेट निकाले, 3 विकेट निकाले दोस्तों इस सीरीज के अंदर, और प्रीवियस रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। पुनिया मेहरा इस सीरीज के अंदर तो बहुत बढ़िया खेला इन्होंने, देख सकते हैं पुनिया मेहरा जो है ना, ये दोस्तों यहाँ पे
पाँच मैच के अंदर 70 रन बनाया हुआ है। सेकंड राउंड पर खेलते हुए 19 रन बनाए इन्होंने। और वहीं फारूक की बात करेंगे तो चार मैच के अंदर 51 रन और 9 रन बनाया मिडल ऑर्डर पर बल्लेबाजी करते हुए। शमीम अली जो है पाँच मैच के अंदर 3 रन 8 विकेट निकाला इन्होंने और एक विकेट निकाला है दोस्तों लास्ट मैच के अंदर। सूर्या सिंह इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं था लेकिन इस सीरीज के अंदर थर्ड राउंड पर खेलते हुए 22 रन। श्रेय शेट्टी जो है दोस्तों यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड इनके नाम नहीं है और ओपन करते हुए देखोगे तो यहाँ पे 20 रन बनाए हुए हैं। टीम के ओपनर बल्लेबाज है, बाकी प्रीवियस रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। सूर्या सतीश जो कि दोस्तों यहाँ पे पाँच मैच के अंदर 51 रन बनाया है, कोई विकेट इनके नाम नहीं है T10 रिकॉर्ड मतलब इनके प्रीवियस रिकॉर्ड में। बाकी इस सीरीज के अंदर 6th राउंड पे खेलते हुए इन्होंने 2 रन बनाया था, कोई विकेट इनको नहीं मिला है। तो देखो दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड आपने देखा, इनके करियर रिजल्ट का आपने रिकॉर्ड देखा, प्रीवियस रिकॉर्ड और इस सीरीज के अंदर अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर क्या किया ये भी आपने देखा। अब भाई इसमें से आपको जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है अपने टीम में आप ले सकते हो, अपने टीम को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। मैंने आपके लिए टीम बना के रखा है बिफोर लाइनअप, चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विकेट कीपर से, SAT को ट्राई करेंगे। DCS के टीम की तरफ से ये बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, टीम के टॉप ऑर्डर पे खेलेंगे। बैटिंग अगर आप चेक करेंगे 3 बैट्समैन जिसमें से दोस्तों COL के टीम की तरफ से तीनों खिलाड़ी को मैं ट्राई कर रहा हूँ, तीनों के तीनों टीम के टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं, अच्छे फॉर्म पे चल रहे हैं। क्यों फारूक को ले सकते हो सकता है कि मैं फाइनल टीम में इनको ट्राई करूँगा, हालांकि लास्ट के मैच के अंदर देखोगे तो ये फ्लॉप रहा था लेकिन इनका रिजल्ट मैंने आपको दिखाया है प्रीवियस रिकॉर्ड जो कि बहुत बेहतरीन है। ऑलराउंडर में अगर आप चेक करेंगे तो 4 ऑलराउंडर DCS के टीम की तरफ से 3 खिलाड़ी, MC को मैं ट्राई करूंगा जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेंगे। ये 3 खिलाड़ी आपके टीम में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। बॉलिंग में अगर आप चेक करेंगे 3 बॉलर COL के टीम की तरफ से ये बेस्ट रहने वाले हैं दोस्तों। ये भी टीम के कंप्लीट आप ओवर गेंदबाजी करते हुए देखेंगे, टीम के कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करेंगे इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने टीम में। बाकी कैप्टनसी के लिए जो देखेंगे ना, मैं यहाँ पे अपने टीम में ट्राई कर रहा हूँ श्री कुमार को और वाइस कैप्टनसी के लिए MC बेस्ट रहने वाले हैं। तो अभी जो ये टीम जो है ना, अभी आप लोग इसको सेव कर लो ठीक है, और लाइनअप का वेट करना। इस मैच का जो फाइनल टीम है ना आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।